सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी YouTube चैनल के ऊपर। अक्सर हमने देखा है कि डिलीवरी होने के बाद जो गाय का जो जहर है उसके कुछ अंश और गाय फ्रीडम नहीं हो पाती है, इसीलिए दूसरी बार जब गाय हीट पे आती है तो प्रॉपर तरीके से हम उसको गामिन नहीं कर पाते, इसीलिए ये हमने 1 किलो गुड़ और उसके साथ साथ 1 किलो बाजरा मार्केट से आपको लाना है या आपके घर में अवेलेबल है तो वो लेना है। उसके बाद में ये जो 1 किलो गुड़ और बाजरा है आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी कि 100 या 200 ग्राम तक गुड़ आप मिक्स कर सकते हैं और बाजरा जो है वो 200 से 250 ग्राम ले सकते हैं। और इतना लेने के बाद आपको ये जो दोनों चीज़ है वो अच्छी तरह पानी में उबाल लेना है। पहले बाजरा अच्छी तरह उबाल लीजिए और उसके बाद में उसमें जो गुड़ है, देसी गुड़ यदि मिलता है तो अच्छा है, बाजरा भी देसी मिलता है तो अच्छा है, इन दोनों को मिक्सअप करके अच्छी तरह थोड़ा सा हल्का गुड़ को हल्का से गर्म करना है, बाजरे को अच्छा गर्म करना है ताकि बाजरा जो है वो अच्छी तरह पक सके। और ये दोनों चीज़ें अच्छी प्रकार मिलाकर उसमें से कुछ आप आटा भी उसमें डाल सकते थोड़ा सा क्रम इसमें, क्योंकि पशु खाना चाहिए, गाय खाना चाहिए। उसके बाद में ये दोनों चीज़ें सवेरे आप गाय को खिलाते हैं तो एक गाय को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उसके साथ साथ दूसरी बार हीट पर गाय समय पे आएगी और जो गाय ने बच्चा दिया है उसको भी दूध अच्छा मिलेगा, गाय भरपूर मात्रा में पानी पिएगी और एक सुदृढ़ बन